दिल्ली नगर निगम के मेयर और उपमेयर के लिए आज 26 अप्रैल को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर सफलता मिली है। मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शिखा राय के नाम वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओब्रॉय फिर से दिल्ली नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि दोबारा से उन्होंने मुझे आज मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया था, और साथ ही समस्त पार्षद, जितने भी विधायक हैं नॉमिनेटेड विधायक, साथ में जितने भी सांसद, दिल्ली की जनता, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज एक बार फिर से मुझे महापौर बनने का मौका दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा, इस बार निर्विरोध मेयर और उपमेयर बनने पर शैली और एलए को बधाई, दोनों को शुभकामनाएं। लोगों को हमसे काफी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो वहीं आपके नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और बीजेपी पर निशाना साधा। आज पहली बार मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी आम केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। इनके अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने की क्षमता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। आपको ध्यान होगा कि पिछले कई हफ्तों से हम कह सकते हैं सरेंडर सप्ताह चल रहा है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के ऊपर किस तरह से आज के दो महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ताक पे रखा, सारे नियमों को ताक पे रखा और पूरी तरह से एक गुंडागर्दी कर रहे थे सदन के अंदर, लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुकेश गोयल जी का नाम पीठासीन अधिकारी के नाम पर भेजा तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने सरेंडर कर दिया और इनका नाम अप्रूव कर दिया। आप सांसद राघव ने भी ट्वीट कर बधाई दी और लिखा, एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिल्ली एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में करारी शिकस्त दी है। एमसीडी में सालों से चल रहे बीजेपी के कुशासन को खत्म करते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली को सुंदर बनाएगी और दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सभी दिल्ली वासियों को बधाई। शैली ओब्रॉय 22 फरवरी को दिल्ली की महापौर चुनी गई थी। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हरा दिया था। शैली को 150 वोट मिले थे जबकि रेखा को कुल 266 वोट में से 116 वोट मिले थे। इसी के साथ आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर चुने गए हैं।